लोग बहुत निर्दयी हैं, लोगों में कोई दिल नहीं है कि मैंने अपनी जान को दांव पे लगा के अपने माँ-बाप से दूर रह के कुछ भी हो सकता है और अपने ऐसे अपनी फील्ड में खड़े रहे। लोगों को शर्म नहीं आती। एक्ट्रेस से नर्स बनी शिखा मल्होत्रा ने नवभारत टाइम्स के साथ अपने दिल का दर्द बयां किया है। शिखा मल्होत्रा ने बताया है कि कैसे उनकी फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। शिखा मल्होत्रा ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग बहुत निर्दयी हैं और आउटसाइडर्स के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। शिखा मल्होत्रा ने कहा कि पहले उनकी फिल्म कांचली को ठीक से थिएटर नहीं मिले, अब OTT प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं। आइए देखते हैं शिखा मल्होत्रा ने बातचीत में और क्या कुछ कहा। नॉन राइटर जो कि राजस्थान की धरोहर है विजय दांते था, जिनकी कहानी में पहेली बनी है, जिनकी कहानी में मणिकौल जैसे डायरेक्टर की फिल्म बनी है, उनकी कहानी में फिल्म बनी है। क्यों क्यों लिटरेचर में फिल्म बनाना एक नए एक्टर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए क्यों सजा है? कहाँ जाए हम, मतलब कहाँ जाऊं मैं फिर दोबारा फिल्म्स मांगना शुरू करूं या मैं हार मान के आज नर्सिंग की नौकरी ज्वाइन कर लूं क्योंकि मुझे रोटी खानी है? क्या करूं मैं? लेकिन ऑडियंस मुझे देखना चाहती है, मुझे इतना यकीन है, कहीं ना कहीं मुझे इतना यकीन शिखा जी, आप धैर्य रखिए, आपकी फिल्म जरूर रिलीज होगी, जरूर रिलीज होगी। है। हम देख सकते हैं कि एक कलाकार का दर्द कितना ज्यादा है। अब आज समझ में आ रहा है कि मनमीत ग्रिवाल या प्रेक्षा जो इंदौर की थी किस सिचुएशन से गुजरी होंगी और किस सिचुएशन से जो कलाकार हैं जिनका काम नहीं है, जिनके पास हम अब मैं तो महसूस कर रहा हूँ, शायद दर्शक महसूस कर रहे होंगे। और देखिए, हम मीडिया में जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं आपकी फिल्म के बारे में बात करने की, आपकी बात को सही ढंग से रखने की, हम बिल्कुल आपकी बात को रखेंगे। और आपकी फिल्म रिलीज होगी, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, साहस रखिए, आप साहस बांटने वाली हैं, आप बिल्कुल बात करिए। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, मेरा बहुत बहुत पता नहीं आपका उपकार होगा मुझ में। नहीं, बिल्कुल मेरी बिल्कुल, पहली आप फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके बाद मैं कहीं पर भी किसी से काम की भीख मांगते हुए, काम के लिए रोते हुए नहीं दिखूंगी। लेकिन मेरी फिल्म जो मैंने कर ली है, इतनी मुश्किल से मुझे ब्रेक मिला है, मैं बचपन से लेके आज तक लड़ी रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज आप सिर्फ इतनी मदद कर आप दीजिए कि लोगों को पता चले कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमको कोई बाहर आने नहीं दे रहा है। शिखा जी, आप देश के साथ खड़ी हैं, आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, देश आपके साथ है, बिल्कुल आपकी फिल्म रिलीज हो गया। होके पीछे रह जाते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।
मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अभिनेत्री थी, अभिनेत्री रहूंगी, और मैं जब जब तक जिंदा हूं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी फिल्म बाहर आए, चाहे मैं नहीं सोऊं, चाहे मेरा दिमागी संतुलन ठीक रहे नहीं रहे, चाहे मैं अगले 2 महीने में और पागल हो जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऑडियंस देखना चाहती है मुझे। किसी ऑडियंस ने नहीं कहा संजय जी की अरे बड़ी छोटी फिल्म है, इसमें तो कोई हीरो ही नहीं है, संजय मिश्रा जी को कौन जानता है। सबने मुझसे ये कहा है कि ट्रेलर देखकर फिल्म देखने का मन करता है, तो ये कौन से लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी फैसला लेने लगे। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपना रेंट भर पाऊंगी। मैं पिछले 4 महीने से ये उम्मीद कर रही हूँ कि फिल्म रिलीज होगी तो दैदी पेजी जैसे किसी छोटे फिल्म मेकर की नजर मुझ पे पड़ जाएगी, जो ऐसी फिल्म बनाने का रिस्क लेते हैं, जो हम जैसे नए चेहरों पर भरोसा करते हैं। शायद किसी और को भी लगेगा कि ये कलाकार है, काम करने लायक है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आ रही नहीं आ रही हूं तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा काम क्या है? मेरे पास शिखा जी, शब्द नहीं।